यहाँ से हमें पूरी तेज भागना, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्पीड इतनी तेज नहीं है किसी की भी, उसकी भी नहीं थी। हमें जो टाइम बचाना है वो उस स्पीड में बचाना है जो स्पीड में उन्होंने गलती करी है स्लो भाग कर। वो एक कप भर रहा था, तू डेढ़ कप भर। हार दे, तीन या चार राउंड है, मर जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आज तू हार गया तो बाहर गया। जब मैं टास्क के लिए तैयार हो रहा था तो प्रिंस भैया ने एक ही बात बोली, नवी या कर ले या मर ले। काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हमारा गैंग ही जीतेगा, क्योंकि नवदीप बॉडी बिल्डिंग बहुत करता है, बट आई एम प्रिटी श्योर वो रनिंग उतनी नहीं करता जितनी यू नो मैं करता हूँ। 3, 2, 1 जैसे प्रिंस सर ने बोला था कि एक चम्मच नहीं डेढ़ डेढ़ चम्मच, तो मैं डेढ़ डेढ़ चम्मच पानी भर रहा हूँ मिर्ची वाला और भागना स्टार्ट किया। प्रिंस भी कार धीरे चला रहे थे ताकि मुझे इजी रहे, मुझे कोई मुश्किल ना हो, पर मैं उनको बोल रहा था तेज चलाओ। अगर मैं गाड़ी तेज चलाता तो नवदीप गिर सकता था, एंड अगर वो गिरता तो हमारा टाइम वेस्ट होता। और दूसरी बात, वो पत्थरों के ऊपर गाड़ी चलाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गाड़ी कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो डर था कहीं कहीं नवदीप के बीच में ना चले जाए। जैसे ही मैंने फनल में पानी भरा तो मैंने देखा जितना गौरव का पानी था उससे ज्यादा पानी भर चुका था मैं एक बार में। वापस जाना था, उसमें करण के गैंग की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। हमने कहा कि हमें बीट इन्हें वापस जाते हुए टाइम में ही करना है। नवी भाग, लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा लगी, जिस तरीके से प्रिंस ने ऑफ रोड किया एकदम फटाक से एंड जिस स्पीड के साथ, तो हमें लगा कि ओ माय गॉड, मतलब ये तो कर रहे हैं। कम ऑन नवदीप, कम ऑन, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, देर मत, वहां पे जाकर ध्यान से। हम प्रिंस भैया ने मुझे बोला था कि डेढ़ डेढ़ चम्मच पीना है, तो मैंने मुंह में दो चम्मच डाल लिए, उससे पानी ओवरफ्लो हो गया, साथ में मेरा थोड़ा पानी बाहर आ गया। मैंने देखा कि वाटर लेवल काफी ऊपर तक आ गया है, बस एक बारी के अंदर आई गेस वो रेड मार्जिन क्रॉस कर देगा। तो हम सभी लोगों की बड़ी हालत खराब हो गई थी कि हम लोगों को 4 राउंड लगे और ये 3 राउंड के अंदर कंप्लीट कर देगा। वेरी गुड, रन, चल 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 चल। हमारा फोकस था कि पानी 3rd राउंड में ही रेड पॉइंट तक पूरा भर जाए। नवी तो एक पॉइंट पे इतना स्लो गया था कि उसकी रस्सी उसके पैर के पास लटक रही थी। वी हैड टू शाउट, मैं मतलब गला फाड़ के चिल्ला रही थी कि नवी रस्सी को पकड़, बिकॉज अगर वो रस्सी उसके पैर में फंस जाती तो वो धूम धूम करके ढाम नीचे गिर रहा था। नवी रस्सी को पकड़ो, कम ऑन, चैलेंज योरसेल्फ, गो। नवी ध्यान से, मेरे को लगा था कि ये ऊपर जाएगा और नवी ध्यान से, मेरे को लगा हो गया, मैंने देखना भी बंद कर दिया था। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तब हमारे से एक छोटी सी गलती हो गई, सांस मैंने मुंह से थोड़ी सी लेने की कोशिश की जो कि नाक से लेनी चाहिए थी, और उससे थोड़ा सा पानी बाहर भी गिरा, इसकी वजह से वो रेड लाइन तक पूरा पानी जा नहीं सका। नवी चल, गो गो भागो, पैर में रस्सी लगी, पैर बचा, पैर बचा, हो गया, रस्सी लगी पैर में। तभी मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था कि हाँ, प्रिंस भैया ने बोला 3rd राउंड में कंप्लीट करना है और मैं 4th राउंड लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। पैर में रस्सी लगी, पैर बचा, पैर बचा, रस्सी लगी पैर में। नवी चल, राउंड में जब थोड़ी सांस फूलनी शुरू हुई तो मैं थोड़ा कार से पीछे रहना शुरू हो गया।
फट चुकी है, मर चुका है। तो मैंने बोला ये एक टाइम ये निकल गया तो गए, फिर तो हम गए। चल उसकी सांस चढ़ चुकी थी और वो फिर भी भागता रहा क्योंकि उसे बीट करने के लिए बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया था गौरव ने। फोर्थ राउंड में मैंने नॉर्मली एक चम्मच पूरा पानी भरा, दूसरा चम्मच डाला, मैंने भागना शुरू कर दिया। जब आधा राउंड कंप्लीट हुआ और उसके बाद दिमाग में यही था, सिर्फ 10 स्टेप रह चुके हैं भाग, और मैंने स्पीड बढ़ाई। नवी ध्यान से। और इस बार प्रिंस भैया ने बोला कि फनल में पूरा पानी बीच में डाल। ये बीट कर सकते हैं हमें तो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स की टाइमिंग से बीट कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिशन लगाई। दोनों गैंग्स के बीच के टाइमिंग का डिफरेंस सिर्फ 3 सेकंड्स का है। 3 सेकंड का फर्क है, शायद वो ना जीत जाए। मुझे डर लग रहा था कि अगर इतनी मेहनत करके हार जाते हैं तो बहुत गंदा महसूस होगा। पहले गए थे करण और गौरव और आपकी टाइमिंग है 3 minutes and 45 seconds। सेकंड गए थे प्रिंस और नवदीश। कांप रहा है शरीर की है गणपति बापा, अब क्या तुम रक्षा कर दो बस, क्योंकि अगर अब क्या विश्वास तोड़ दिया ना हमने प्रिंस सर का तो शायद उनका विश्वास कभी बनेगा ही नहीं। और आपकी टाइमिंग है 3 minutes and 42 seconds। आप सिर्फ 3 सेकंड से जीते हो और नवदीश इसका मतलब यह है कि आज आप वोट आउट से इम्यून हो। कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अंदर से जैसे वो आग बाहर आ रही होती है ना, मतलब मजा आ गया कि हाँ रोडीज X4 में फर्स्ट टाइम इम्यूनिटी मुझे मिली है। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था दैट आई हैव लेट डाउन माय गैंग एंड माय गैंग लीडर। करण यार कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मैं एक गलती नहीं करता जहाँ पे मेरा फोकस ज्यादा गौरव पे चला गया था और मैंने हैड टू रिवर्स माय कार एंड गो बैक, आई थिंक वहाँ कहीं हम बच जाते, तो आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। Please, sir, please don't take this on you. Please. That's the commitment, that's the emotion that your gang leaders invest in you. Always remember that your gang leaders are in this with you to win it. And I think hamare charo gang leaders ke liye taaliyan ho jaye yaar. They're fantastic. All right, guys. Aaj ke survival task ke baad, Navdeesh immune ho chuke hai. इसका मतलब ये है कि इन्हें छोड़कर आप सभी वोट आउट में जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वन जो प्रिंस सिलेक्ट करेंगे वोट आउट के टाइम पर। रोडीज टास्क। हमारे चार गैंग लीडर्स अपने गैंग्स के साथ यहाँ पे आने वाले हैं एंड दे आर गोना पुट अप अ शो वन बाय वन फॉर ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। द जज ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज गोना बी यू गाइस एंड हाउ वी गोना डिसाइड दैट थ्रू चीयर्स
and through applause. All right, so let me introduce you with a huge round of applause, the ultimate roadie, Ranvijay Singha! We have the heartthrob of Indian television, go first. All right? One, two, three. Neha, तैयार हो जाइए. You're going first. अब वहाँ जाते सबसे पहले ही हमारी गैंग का नंबर आ गया. Now the stage was big. It was like an amphitheater, जहाँ पे इतने सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे. माहौल पूरा सेट हो चुका था. फन के लिए मैं एडवेंचर्स करता हूँ, स्पोर्ट्स करता हूँ, घूमता फिरता हूँ. मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है और वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा काम करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं नारी शक्ति को ऊपर लेके जाऊँ. विमेन से याद आया, हमारे साथ एक और कॉर्नर कुंद्रा जी यहाँ पे है. विमेन एम्पावरमेंट की बात जो